लोकसभा चुनाव में जेजेपी और दुष्यंत चौटाला के लिए सबसे बड़ी और सबसे खास सीट है हिसार की सीट। हिसार की सीट दुष्यंत चौटाला की अपनी सीट है और इस सीट पर वो 2024 के इन लोकसभा चुनाव में जोरदार परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, सबसे ज़्यादा वोट लेना चाहते हैं, अपनी साख को बचाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इस सीट से अपनी माँ विधायक नैना सिंह चौटाला को चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन नैना सिंह चौटाला के लिए ये चुनावी दंगल हरगिज भी आसान रहने वाला नहीं है, क्योंकि खरी खरी न्यूज़ ने जब इसके बारे में एक सर्वे कराया और जनता से जानना चाहा कि नैना सिंह चौटाला इस चुनाव के अंदर हिसार सीट पर कितने वोट लेंगी, क्या वो 50,000 से कम वोट लेंगी, क्या वो 50,000 से 1,00,000 के बीच में वोट लेंगी या वो 1,00,000 से ज़्यादा वोट लेंगी, तो इसके बारे में हजारों लोगों ने जो अपनी राय दी है वो बेहद चौंकाने वाली है। और ये लोगों का सर्वे, ये लोगों की राय साफ तौर पर नैना सिंह चौटाला के लिए खतरे की घंटी बजाने का काम कर गई है। हम आपको बता दें कि खरी खरी न्यूज़ ने हिसार सीट पर जेजेपी प्रत्याशी नैना सिंह चौटाला के चुनावी परफॉर्मेंस को लेकर एक स्पेशल सर्वे किया था और इस सर्वे में हजारों लोगों ने शिरकत की थी और इस सर्वे का परिणाम बता रहा है कि हिसार सीट के ऊपर जेजेपी की दुर्गति होने वाली है और नैना सिंह चौटाला को सबसे कम वोट मिल सकते हैं, यानी नैना सिंह चौटाला की हिसार सीट पर जमानत जब्त होती हुई तय नज़र आ रही है। 64% लोगों का ये मानना है कि नैना सिंह चौटाला को 50,000 से वोट कम मिलेंगे। ये कह सकते हैं कि लगभग 2/3 लोगों का ये मानना है कि हिसार सीट पर नैना सिंह चौटाला को 50,000 से कम वोट मिलेंगे। और ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि दुष्यंत चौटाला की करनी का अब नैना चौटाला को भरनी पड़ेगी, क्योंकि दुष्यंत चौटाला को लेकर अब उसी हिसार में बेहद नाराजगी का माहौल है, जिस हिसार ने 2014 में उन्हें तमाम गतिरोधों को छोड़कर, तमाम विरोधों को छोड़कर उन्हें एमपी बनाने का काम किया था। अब उसी हिसार लोकसभा सीट पर दुष्यंत चौटाला को लेकर बड़ी नाराजगी का आलम है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी दुष्यंत चौटाला को हिसार सीट पर 2,80,000 वोट मिले थे और वो दूसरे नंबर पर रहे थे, लेकिन 2024 का चुनाव आते आते अब दुष्यंत चौटाला को लेकर हिसार लोकसभा सीट में मोह भंग हो गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि 2019 के विधानसभा के 4 बड़े प्रत्याशी भी अब दुष्यंत चौटाला को अलविदा कह चुके हैं, चाहे वो हिसार सीट से जितेंद्र चौरान थे, चाहे आदमपुर से वो रमेश गोदारा थे, चाहे हांसी सीट से राहुल मक्कड़ थे, या बरवाड़ा सीट पर विधायक जोगीराम सिहाग हैं, यानी बड़े चेहरे इनको अलविदा कह चुके हैं। इसके साथ साथ नारनौंद के विधायक दादा राम कुमार गौतम भी दुष्यंत चौटाला के खिलाफ खड़े हैं, यानी 9 हलकों में से एक हलका भी ऐसा नहीं है जहां से हम ये कह सकें कि वहां से नैना सिंह चौटाला लीड ले सकती है। जिस उचना विधानसभा सीट ने दुष्यंत चौटाला को 92,000 वोटों का सबसे बड़ा रिकॉर्ड समर्थन दिया था, उसी उचना हलके में अब दुष्यंत चौटाला की हालत बेहद खस्ता नजर आती है। वहां पर भी नैना सिंह चौटाला के तीसरे नंबर पर भी खिसने के आसार पैदा हो गए हैं, बल्कि आसार नहीं कहेंगे बल्कि गारंटी के तौर पर उचाना सीट पर नैना सिंह चौटाला नंबर 3 पर रहेंगी। और अगर सुनैना चौटाला ने अच्छी मेहनत कर दी तो फिर नैना चौटाला को वहां पर तीसरे नंबर पर भी अपनी देवरानी सुनैना चौटाला के साथ में मुकाबला करना पड़ेगा। सिर्फ 30% लोगों का मानना है कि नैना सिंह चौटाला हिसार लोकसभा सीट पर 1,00,000 से ज़्यादा वोट ले सकती हैं, यानी दुर्गति का आसार बताने वाले लोगों की संख्या 2/3 है और ये संख्या साफ तौर पर संकेत दे रही है कि हिसार लोकसभा सीट के चुनाव में नैना चौटाला के लिए हालात बिल्कुल ख़राब हैं और उनको लोगों का बड़ा जनसमर्थन नहीं मिलेगा। जाहिर सी बात है, अब की बार के चुनाव के नज़ारे में न तो कहीं पर दुष्यंत चौटाला के लिए पॉजिटिविटी है, ना ही जेजेपी के लिए कहीं पर लोगों के अंदर जुड़ाव है। बीजेपी के साथ सत्ता की हिस्सेदारी के बाद अब दुष्यंत चौटाला के लिए जनता में कहीं पर भी पॉजिटिव अप्रोच नहीं है, उनके लिए बड़ा जनसमर्थन नहीं है, उनकी पार्टी जेजेपी के प्रति लोगों में बड़ी नाराजगी है, जिसके चलते नैना सिंह चौटाला के लिए भी हिसार सीट पर किसी तरह के कोई भी पॉजिटिव चांस नज़र नहीं आते हैं। वहाँ पर जीतने की बात तो आप दूर रखिए, नैना सिंह चौटाला के लिए अपनी जमानत बचाने का भी कोई आसार नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। यानी दुष्यंत चौटाला ने जिस तरह से अपने साथियों के साथ व्यवहार किया, दुष्यंत चौटाला ने जिस तरह से
अपने ही लोगों की अनदेखी की। दुष्यंत चौटाला ने जिस तरह से अपने ही पिता अजय सिंह चौटाला के साथियों के साथ हाशिए पर डालने का काम किया, उसके चलते ही दुष्यंत चौटाला से लोगों का मोह भंग हुआ है और 4.5 साल में ही जेजेपी अब सबसे मजबूत गढ़ में सबसे नीचे आ गई है। आप खुद ही सोचिए कि नारनौंद हल्के ने 2019 में मोदी की सुनामी में भी दुष्यंत चौटाला को लीड देने का काम किया था, लेकिन अब उसी नारनौंद के अंदर दुष्यंत चौटाला की मां नैना चौटाला के लिए 5000 वोट लेना भी मुमकिन नज़र नहीं आता है। इससे साफ तौर पर जाहिर हो जाता है कि आज की तारीख में हिसार सीट पर जेजेपी और दुष्यंत चौटाला कहां पर खड़े हैं और नैना सिंह चौटाला के लिए क्या संभावनाएं बनी हुई हैं। जाहिर सी बात है दुष्यंत चौटाला के लिए ये सबसे मुश्किल हालात हैं और नैना चौटाला के लिए हिसार सीट पर किसी भी तरह के कोई पॉजिटिव गुंजाइश के आसार नहीं हैं, बल्कि उनको एक एक वोट हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन दिक्कत की बात तो इस बात की है कि 9 विधानसभा हलकों में से 5 विधानसभा हलकों के उनके सबसे मजबूत नेता उनको छोड़कर जा चुके हैं, यानी दुष्यंत चौटाला के लिए अब की बार नंबर 1 या नंबर 2 की लड़ाई तो छोड़िए, सभी बूथों पर अपने एजेंट बनाना भी सबसे बड़ी चुनौती रहेगी। और जब दुष्यंत चौटाला के लिए एजेंट बनने वाले लोग ही मौजूद नहीं होंगे तो ऐसे में आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी मां नैना सिंह चौटाला को हिसार सीट पर कितने वोट मिलेंगे, यानी लोकसभा चुनाव में हिसार सीट पर नैना सिंह चौटाला के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है, उनकी जमानत जब्त होने के पक्के आसार बन चुके हैं। ऐसे में उनके बचाव के लिए कोई भी रास्ता नज़र नहीं आता है, यानी दुष्यंत चौटाला की करनी का फल अब नैना चौटाला को भुगतना पड़ेगा। हिसार सीट के ऊपर मचे हुए घमासान में कांग्रेस बीजेपी के बीच में जेजेपी की प्रत्याशी नैना सिंह चौटाला के सियासी अंजाम को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। हिसार सीट पर बीजेपी और कांग्रेस में छिड़ी हुई कांटे की जंग के अंजाम और परिणाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। हिसार सीट पर जेजेपी की दुर्गति को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।